Trends, green to all of you. So here I am going to discuss H.C. Verma kinematics question number 20. So let's start with the question 20. Car model हमें देके रखा है A and B और driver X and Y देके रखा है. तो पहले हम driver X वाले part को solve करते हैं. Reaction time देके रखा है इस question में 0.20 second instant. इससे पिछला जो question है question number 19 उसमें reaction time की बात की गई है. So car की speed है 54 km per hour और braking distance और total stopping distance हमें निकालना है. देखिए speed 54 है तो सबसे पहले तो उसे हम convert कर लेंगे like 18 से 3 54 तो उसकी जो स्पीड है वो आ जाएगी अपने पास फ्रेंड्स 15 मीटर पर सेकंड. हमने कन्वर्ट कर लिया एसआई सिस्टम में. हमसे पूछा जा रहा है ब्रेकिंग डिस्टेंस. लाइक यू नो दिस इज द फॉर्मूला टू बी यूज्ड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s. फाइनली जो गाड़ी है वो स्टॉप हो जाएगा तो वी विल पुट जीरो देयर. इनिशियल स्पीड इज 15 सो 15 का स्क्वायर 2 इनटू एसेलेरेशन. एसेलेरेशन यहां दे के रखा है फ्रेंड्स डीएसेलेरेशन दे के रखा है 6 तो आई विल पुट माइनस 6 देयर इनटू s मुझे निकालना है तो ये बन जाएगा माइनस 225 अपॉन माइनस 12 इज इक्वल टू एस. सो ये कैंसिल हो जाएगा. 12 से हम 225 को डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट्स जो कि जस्ट अ मिनट मैं डिवाइड कर लेता हूँ. सो ये डिवाइड करने पर आ जाएगा अपने पास 18.75 जिसे कि बेसिकली आंसर में लगभग 19 लिया गया है. सो हमारे पास जो अपना ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो आ जाता है स्टूडेंट्स 19 मीटर. अब आगे पूछा गया है टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस. टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस इज बेसिकली जो डिस्टेंस आपने रिएक्शन टाइम में कवर किया वो डिस्टेंस प्लस ये जो आपने ड्यूरिंग डीएसेलेरेशन किया उसे हम टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं. तो रिएक्शन टाइम है 0.20. आप चल रहे थे 15 की स्पीड के साथ. सो डिस्टेंस इज सिंपली लाइक स्पीड इनटू टाइम. सो स्पीड वाज 15 और टाइम था वहाँ पर रिएक्शन टाइम 0.2 तो ये अपने पास आ जाएगा 3. ओके सो यहाँ पर जो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगा 3 + 19 सो दैट इज 22 मीटर. सो ये अपने इस फर्स्ट पार्ट का आंसर है. सिमिलरली हम लाइक ड्राइवर वाई के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरह से चीज़ों को. जैसे कि ड्राइवर बी की अगर बात करता हूँ यहाँ से मैं ड्राइवर बी के पार्ट को लिखता हूँ. ड्राइवर बी की बात की जाए तो स्टूडेंट्स उसका जो स्पीड है वो 72 है. इसे कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से 18/4 तो उसकी स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड. तो उसका जो रिएक्शन टाइम है वो 0.30 सेकंड्स है. तो रिएक्शन टाइम में उसने जो कवर कर लिया लाइक जैसे ही वो अपना रिएक्शन टाइम है उसके बाद वो ब्रेक लगाएगा फिर अल्टीमेटली रुक जाएगी गाड़ी. तो रिएक्शन टाइम में गाड़ी कुछ चल पड़ती है तो जो डिस्टेंस वो रिएक्शन टाइम में कवर करती है वो है 20 स्पीड इंटू टाइम दैट इज 0.30 इज द टाइम. सो ये अपने पास आ जाएगा स्टूडेंट सिंपली 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा यहाँ पर 6 मीटर. ओके तो और साथ में अब हमें अल्टीमेटली वो ब्रेकिंग डिस्टेंस भी निकालना है दूसरी कार के लिए. ये उसने रिएक्शन टाइम में चला है. फिर से वही फॉर्मूला यूज़ होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s. सो वी की जगह हम 0 पुट करेंगे यू की जगह 20 पुट करेंगे. 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एसेलेरेशन वही है माइनस 6 और s हमें निकालना है. तो ये सॉल्व कर लेते हैं यहाँ इसे लिख लेते हैं तो ये बन जाएगा माइनस 400 इज इक्वल टू माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय s. तो यहाँ से हम 400 को 12 से डिवाइड कर लेते हैं वो ये आ रहा है अपने पास 33.3. ये एस की वैल्यू आ रही है. तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं सो अगर मैं इसे 34 भी ले लेता हूँ जैसे कि अगर मैं आंसर की बात करता हूँ सो आई विल चेक द आंसर कि एनसीईआरटी क्या आंसर दे रहा है या एच सी वर्मा क्या आंसर दे रहा है इसका. तो उन्होंने जो आंसर स्टूडेंट्स इसका दे के रखा है जस्ट अ मिनट आई विल चेक द आंसर. सो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया और उसमें जो आंसर दिया है स्टूडेंट्स वो दिया है 33. ओके दैट इज 33. तो इसे 33.3 को 33 ले लेते हैं और जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो आ गया 33 और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गया 33 प्लस जो रिएक्शन टाइम में चला था 6 आपने तो वो आ गया आपके पास 39 मीटर. ओके सो दिस इज द आंसर फॉर द ए बी सी एंड डी पार्ट्स. सिमिलरली अब हमें नेक्स्ट पार्ट करना है स्टूडेंट्स. सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स इसमें दूसरा केस डिस्कस करते हैं कार मॉडल बी के लिए डिस्कस करते हैं. सो देर इज़ हार्ड ब्रेकिंग दैट इज 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो वही काम करना है ब्रेकिंग डिस्टेंस और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है. तो ब्रेकिंग डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले यहाँ से वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s से. फाइनल वेलोसिटी 0 होगा. यहाँ पर भी 54 है इसको हमने ऊपर कन्वर्ट किया था इसकी वैल्यू आई थी 15 तो 15 का स्क्वायर कर लेते हैं स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 2 इंटू एसेलेरेशन यहाँ है माइनस 7.5 मल्टीप्लाइड बाय s हमें निकालना है. तो आ जाएगा फ्रेंड्स माइनस 225 अपॉन माइनस 2 इंटू 7.5 इज इक्वल टू s. तो इसे हम डिवाइड कर लेते हैं सो इट इज़ 225 को हमें डिवाइड करना है
टू एंड देन हमें डिवाइड करना है इसे 7.5 के साथ। तो इसकी वैल्यू जो है फ्रेंड्स, एस की वैल्यू आ रही है 15 मीटर। तो इस केस में ब्रेकिंग डिस्टेंस है 15 मीटर, बिकॉज यू नो आपने आपका वैल्यू कम हो गया, ऊपर ज़्यादा था थोड़ा वैल्यू, बिकॉज यहाँ पर जो आपने डी एसलेशन है वो इंक्रीज़ कर दिया है, वो 7.5 कर दिया है। फिर टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगेन ये ड्राइवर एक्स के लिए रिएक्शन टाइम सेकेंड पार्ट में भी सेम ही चल रहा है। तो रिएक्शन टाइम में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है, 15 की स्पीड था उसका और 0.2 सेकंड्स में उसने कवर किया है बेसिकली 3। ओके, सो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 3 + 15, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन द रिएक्शन टाइम प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो इसका आंसर आ जाएगा एफ पार्ट का हमारे पास 18 मीटर। फिर सिमिलरली हम स्टूडेंट्स दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे जो हमारा इसका ड्राइवर वाई का है। सेम टू सेम तरीके से इसको भी हमें सॉल्व करना है यहाँ पर। सो इट इज़ लाइक यहाँ पर देखिए आप, स्पीड 72 है, इसको हमने पहले कन्वर्ट कर लिया था 20। सो अगेन वही फॉर्मूला, फिर से वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s। सो यहाँ पर 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्क जो पड़ा है वो इसमें डी एस रिलेशन में पड़ा है s, तो यह आ जाएगा -400/2 × 7.5, और यहाँ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमें 400 को डिवाइड करना है, 200 को डिवाइड करना है फाइनली 7.5 के साथ। तो ये 26.6 आ रहा है, तो जिसको उन्होंने एचसीवर्मा में अगेन 27 लिखा है, तो आई विल पुट द 27 देयर। ये डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास आंसर आएगा 26.66। तो राउंड ऑफ करके इसको 27 ले लिया है, 27 मीटर। और अब बचता हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस जो कि है 27 प्लस डिस्टेंस कवर्ड इन द रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस कवर हुआ दैट इज 20 की स्पीड से वो हुआ, और वो हुआ फॉर द 0.3 सेकेंड्स, तो उसकी वैल्यू है 6। तो प्लस 6, सो 27 + 6 जो है 33 आ जाएगा हमारे पास। सो 33 मीटर इज़ द आंसर फॉर द एच और द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 20।